सो प्राइमरली आज हम कवर करने जा रहे हैं कि टेराफॉर्म क्यों, टेराफॉर्म कैसे, टेराफॉर्म कहाँ से, क्यों करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, राइट, और टेराफॉर्म का हमको बेनिफिट क्या होने वाला है, और टेराफॉर्म के बेनिफिट से हम लोगों को क्या मार्केट पे क्या ग्रोथ और क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, राइट. तो ये सब चीजें हम आज देखने वाले हैं थोड़ा सा. तो कोशिश करेंगे कि मैं आपको जितना ज्यादा बता सकूं, राइट, ताकि वो आपको हेल्प और गाइड कर सके आने वाले अपने प्रिपरेशन के लिए. अगर आप टेराफॉर्म के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप टेराफॉर्म वाले सेगमेंट में आना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोर सेगमेंट में आना चाहते हैं. प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर कोड क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे. काफी लोग से पूछ रहे थे कि सर, अगर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आज ऑन प्रेमिस हैंडल कर रहा हूँ, वहां से मुझे क्लाउड की तरफ मूव करना है, तो क्या मेरे को टेराफॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. कई लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर, हम ओपन स्टैक पे काम करते हैं, अगर हमें AWS या Azure पे काम करना होगा तो क्या टेराफॉर्म हमें हेल्प कर पाएगा या नहीं. कई लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि सर, क्या जरूरी है मेरे को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर आना, अगर मेरे को टेराफॉर्म की तरफ स्विच करना है कि नहीं. तो आज शायद ना हम कोशिश करेंगे इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको दे पाए. बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, काफी लोग ये पूछ रहे थे कि टेराफॉर्म का जो करंट सर्टिफिकेशन है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, क्या उन चेंजेस से मेरे करंट, अगर मैं वो फिर से कोर्स करना चाहता हूँ या फिर से सर्टिफिकेशन के अप्लाई करना चाहता हूँ या उस सर्टिफिकेट को आज अचीव करना चाहता हूँ, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्या उसमें कुछ चेंजेस, खास चेंजेस आए हैं, राइट. सो ये सारे क्वेश्चंस काफी वैल्यूबल हो रहे थे. हम लोगों ने सोचा कि कहीं आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन के बताना चाहिए, हम लोगों की इन्फॉर्मेशन आपको, हम लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सके उतना हमारे लिए बेटर है. ड्यूरिंग दिस एंटायर लाइव सेशन इफ यू गाइज हैव क्वेश्चंस, प्लीज पुट इट अक्रॉस, आप चैट पे डालिए. मैं कोशिश करूंगा कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस अराउंड दैट, कि टेराफॉर्म के कैसे हम लोग उस सेगमेंट में आ सकते हैं, कैसे हमें क्या करना चाहिए. अगर कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज आपकी होंगी, यू आर फ्री टू ब्रिंग इन योर इनपुट्स. हम आज प्राइवेटली ट्राई करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के बारे में थोड़ा सा जान सके, क्या मार्केट में है, क्या मार्केट में चल रहा है, राइट, और हाउ के आर नेटवर्क कैन प्रोवाइड यू दैट सपोर्ट इन ऑर्डर टू मूव टूवर्ड दिस सेगमेंट, राइट. तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की. मैं आपको एक बहुत ही हाई लेवल पर बताता हूँ कि पहले तो इस कोर्स के लिए, राइट, इस कोर्स के लिए प्राइमरली अगर हम देखें, राइट, तो कौन कौन ऐसे हैं जो इस कोर्स को कर सकते हैं, राइट, किसको ये कोर्स करना चाहिए, किसको टेराफॉर्म की तरफ मूव करना चाहिए, क्यों मूव करना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे. और हम बात करेंगे कि जब वो टेराफॉर्म की तरफ मूव करते हैं तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, क्या वो सीख कर निकलेंगे इस कोर्स के थ्रू, क्या जब वो टेराफॉर्म का सर्टिफिकेशन लेके मार्केट में उतरेंगे तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी, राइट. तो हम इन सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे आज थोड़ा सा. टेराफॉर्म बेसिकली सिर्फ एक टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड एक बड़ा सेगमेंट है, उसमें काफी सारे और अदर टूल्स भी आते हैं जो आप जब कोर्स को अटेंड करते हैं तो उसके बारे में आपको और थोड़ी सी डिटेल्स पता लगती है. प्राइमरी कोर्स इज टारगेटेड टूवर्ड्स बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स बोथ, दोनों ही केसेस में ये कोशिश करता है कि जो बिगिनर साइड से आ रहे हैं, जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट, उनको भी ये पता चल सके, और प्लस उनको भी ये पता चल सके, उन लोगों को भी ये पता लगे कि जो इंटरमीडिएट लेवल पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में है, राइट, उनके लिए भी ये बेनिफिट रहे, उनको भी ये बेनिफिट मिले कि कैसे मुझको, अगर आज मैं हूँ इंटरमीडिएट लेवल पे ऑलरेडी मैं टेराफॉर्म यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स वे से या इस पर्टिकुलर सेशन से, राइट, जिसका बेनिफिट मैं क्या उठा सकता हूँ जो और करेंटली मेरे को टेराफॉर्म में अपग्रेड करने में हेल्प करेगा या टेराफॉर्म में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, राइट. तो हम देखते हैं जो बिगिनर्स लेवल पे ज्वाइन करते हैं, प्राइमरी जो बिगिनर्स लेवल पे ज्वाइन करते हैं, उनका सबसे बड़ा बेनिफिट इस कोर्स को करने का ये होता है कि दे बिकम कॉन्फिडेंट टू क्रैक थ्रू टेराफॉर्म इंटरव्यूज. आपको टेराफॉर्म के इंटरव्यूज के क्वेश्चंस
के बारे में पता लगता है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि कैसे मैं टेराफॉर्म से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको कैसे हैंडल कर सकूंगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है टेराफॉर्म पे, राइट, वो आपका इंक्रीज होता है, वो आपका बेनिफिट इंक्रीज होता है, वो आपके कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल्स को, टेराफॉर्म फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है टेराफॉर्म्स के रिलेटेड इंटरव्यूज में, राइट, तो आप उसका जवाब बहुत इजीली दे पाते हो, राइट. आपको ये पता होता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज मैंने करी हुई है, ये चीज मुझे आती है, राइट. क्योंकि हमारा कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राइमरी यही नहीं है कि हम सिर्फ आपको टेराफॉर्म के बारे में बताएं, हम आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में बताते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, जो बेसिकली एक इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है. एक एक बड़ी फर्म, बड़ी कंपनी के अंदर जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो, राइट, तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए होती है. वो प्रिपरेशन आपको इस कोर्स के बाद एक कॉन्फिडेंस लेवल देता है कि हाँ ठीक है, आज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू एटलीस्ट गो एंड गिव इंटरव्यूज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स या डेवऑप्स इंजीनियर्स में, और मुझसे अगर टेराफॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा. दूसरा, बिगनर्स लेवल के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज ना हो, आपको बहुत हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, कि जब आप काम करने बैठो, राइट, तब आपको ये चैलेंज ना आए कि करना कैसे. तो दिस एंटायर कोर्स एंड करिकुलम इज कल्टिवेटेड इन अ वे कि जब आप डे जीरो से, राइट, टेराफॉर्म के ऑपरेशंस को आप हैंडल कर पाते हो, आप टेराफॉर्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग कर सकते हो, आप टेराफॉर्म से रिलेटेड कोड की कॉन्फ़िगरेशन को समझ पाते हो, आपके पास एक अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी आती है तो आपको उसका लीनियर लॉजिकल वे पता होता है कि मैं इसको कैसे ट्रबल शूट करूंगा, मेरे को इसमें क्या देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ज्यादा समझ पाती है, राइट. ये थोड़ी सी आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस और लैब्स की वजह से जब आप एक्सपोजर लेते हो, राइट, उस एक्सपोजर के बहुत क्लैरिटी मिल पाती है, ताकि जब आप डे जीरो जब आपने अपना ऑफिस ज्वाइन करा है, आपको एक टास्क मिला है, आपको उस टास्क पे परफॉर्म करना है, तो आप वो इंडिपेंडेंटली टास्क कर सकते हो बिना किसी गाइडेंस या सुपरविजन के, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि अगर मेरे पास इस टाइप का टास्क आएगा, राइट, तो मुझे कैसे करना है, कैसे आउटपुट देना है, राइट. मैटर नहीं करता है कि आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लाउड किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, आपका वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, राइट, आपका वो मल्टीपल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो सकता है, जहां हम कभी AWS पे काम कर रहे हैं, कभी Azure से काम कर रहे हैं, आपको वो चैलेंज नहीं आता है कि मैं इस पे काम करूंगा कैसे, क्या मुझे देखना है, क्या मैं इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को रेज कर पाऊंगा या नहीं रेज कर पाऊंगा. डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे आप बिगनर से इंटरमीडिएट वाली साइड पर बढ़ते हो, आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, आप एक्सपोजर गेन करते हो मल्टीपल चीजों का, राइट, फिर आप मॉड्यूलैरिटी जैसे कॉन्सेप्ट पे आते हो, राइट, जहाँ आप थोड़े से एक्सपर्ट लेवल के कोड लिखते हो, आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स कोड लिखते हो, ये सब आप करते हो इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ टेराफॉर्म को यूज करने के लिए, राइट. इंटरमीडिएट वालों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंटरप्राइज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या डेवॉप्स में हैं, डेवॉप्स पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्लाउड ऑप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, उनको क्या बेनिफिट मिलता है? उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उनको अपनी जो डिलीवरी है, स्पीड ऑफ डिलीवरी है, उसमें बहुत बेनिफिट मिलता है यूजिंग टेराफॉर्म, राइट. उनको ये भी मिलता है कि वो आज की डेट पर टेराफॉर्म यूज कर रहे हैं, हाउ टू मैनेज देयर करंट रिसोर्सेज मच बेटर, राइट. उनको ये आइडिया मिलता है कि अच्छा मेरे को अपने कोड को स्ट्रक्चर कैसे करना है, राइट, मेरे को अपने कोड के आस्पेक्ट्स को मैनेज कैसे करना है, मैं कैसे पॉलीमॉर्फिज्म या मॉड्युलैरिटी पे काम कर सकता हूँ, मैं कैसे एक कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकता हूँ, मैं कैसे मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स यूज करके अपने प्रोसेस को इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को हर बार अपना कोड रिपीट ना करना पड़े, मैं सेम कोड को ही मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज कर सकता हूँ. तो ये सब बेनिफिट आपको एट इंटरमीडिएट लेवल पे मिलते हैं, प्लस आपको टेराफॉर्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस पता चलती है कि आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप यूज करते हो तो आप टेराफॉर्म से क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको प्राइमरली टेराफॉर्म के इस पर्टिकुलर के नेटवर्क क्लाउड के सेशंस में मिलता है. वी विल टॉक अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर, वी विल टॉक अबाउट द करिकुलम कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या एक्सपेक्टेड है हाशिकॉर्प टेराफॉर्म की तरफ से, राइट, एंड हाउ डू वी मैप इट टू अवर करिकुलम, हाउ हैव वी कल्टीवेटेड द एंटायर करिकुलम अराउंड दैट, ठीक है, कि हम ये देखते हैं कि उस करिकुलम का, राइट, जो हमने अभी डिवाइस किया हुआ है वो कैसे मैप करता है आज की करेंट टेराफॉर्म की रिक्वायरमेंट के साथ. पर उससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूंगा और आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा कि प्राइमरली
आज इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की डिमांड क्यों है, क्यों हम लोग इस सेगमेंट को देख रहे हैं, क्यों इस सेगमेंट में थोड़ा सा मार्केट अप है, राइट, किस टाइप के लोग इसमें आते हैं और क्यों आते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं आज की डेट में, देर आर टू थिंग्स विच आर इन प्राइमरी इन मार्केट, विच इज डेवॉप्स एंड क्लाउड ऑप्स, राइट। कहीं ना कहीं आप इन दोनों से कहीं रिलेटेड होते हो जब आप सेगमेंट में आते हो। अगर आप इस सेगमेंट से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं हो तो इसका थोड़ा सा मैं बैकएंड लेता हूँ, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के काम हो रहे होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक होता है कोर सर्विसेज, राइट। इसको हम कई जगह प्रोफेशनल सर्विसेज कहते हैं, मैनेज सर्विसेज कहते हैं, राइट। और जब इस सेगमेंट की बात करते हैं, जो बंदे डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, उनको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, राइट। जो आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर उनको जो प्रोवाइड करता है, राइट, वो एक सर्विस बन चुकी है, विच इज फैमिली कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज सेगमेंट इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, राइट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसी सेगमेंट में जब आप एंटर करते हो तो आपको जरूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स की। पहले इस साइड में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, सिस्टम कंफिग्रेटर्स होते थे, रिलीज एंड बिल्ड मैनेजर्स होते थे, राइट। तो वो थोड़ा सा लेवल था। अब यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, राइट, क्लाउड आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट्स होते हैं, देन आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स होते हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स होते हैं। तो ये सेगमेंट यहाँ पे बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के साथ, राइट। इनिशियल लेवल पे यहाँ पे 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस आता है, देन 5 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आता है, 10 to 15 में आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड आर्किटेक्ट इस वाले सेगमेंट पे चलते जाते हो। धीरे धीरे एंटरप्राइज आर्किटेक्ट आपको 20+ years का एक्सपीरियंस जो होता है वो इन एंड अराउंड दिस एरिया होता है, राइट। कुछ लोग जो ऑलरेडी एप्लीकेशन वाले साइड में काम कर रहे होते हैं, आज की डेट में कंपनी से भी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि अगर आप डेवलपर हो या डीबीए हो या अगर आपको याद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, राइट, या मेरे को अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना है, राइट, तो वो कैसे प्रोविजन होगा। तो वो कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो इस वाले सेगमेंट से आ रहे हैं, राइट, बट उनको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, बट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, राइट, उनके लिए भी टेराफॉर्म एक बहुत अच्छा टूल है फॉर क्लाउड प्रोविजनिंग, राइट। द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग के एस्पेक्ट्स की डिटेल्स, राइट, ये आपको काफी हद तक क्लियर होता है, काफी हद तक क्लैरिटी मिल पाती है कि आप इस सेगमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हो। सो दीज आर द टू प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ वेयर पीपल आर प्राइमरी कमिंग टू एंड कमिंग फ्रॉम। इसी वजह से आज की डेट में इंडस्ट्री डिमांड फॉर क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स बहुत बढ़ चुकी है। उसका प्राइमरी रीजन ये भी है कि पहले सबके मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स होते थे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से लोगों ने मूवमेंट शुरू करा, तो धीरे धीरे वो क्लाउड अडॉप्शन जर्नी शुरू हुई, राइट। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो देर आर टू फॉर्मेशन, टू लाइन्स, राइट, जहां पे हम ये कहते हैं कि एक तरफ मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स चाहिए जिनकी डिमांड अब काफी हद तक बढ़ गई है, और दूसरे एंड पे, राइट, जो डिमांड आती है वो डेवॉप्स इंजीनियर्स की भी आती है। इनके भी डिमांड बढ़ रही है, राइट। ये धीरे धीरे ये वाला सेगमेंट जो है, ये अब आज की डेट में धीरे धीरे ये सेगमेंट थोड़ा सा डाउनफॉल में है, थोड़ा सा मार्केट इसका डाउन होता जा रहा है। रीजन बीइंग इट इज एक्सपेक्टेड, राइट, ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बढ़ती जा रही है कि जो डेवॉप्स वाले एरिया में है, जो डेवॉप्स वाले सिस्टम में है, जो डेवॉप्स वाले जोन में है, राइट, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग भी आना चाहिए। तो धीरे धीरे ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ऑन द वर्ज ऑफ मर्जिंग होता जा रहा है, जहाँ ये एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको
कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कंटिन्यूस डिलीवरी आता है, कंटिन्यूस डिलीवरी मॉडल पता है, तो उस सेगमेंट में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी भी पता होना चाहिए. एंड दैट्स अनदर रीजन कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्विच हैपनिंग इन बिटवीन दीज टू डोमेन्स, राइट. पीपल आर मूविंग फ्रॉम आइदर दिस डोमेन टू डेवॉप्स, राइट, बट दे आर फ्रॉम द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स, और या डेवॉप्स इंजीनियर जो है क्लाउड ऑप्स की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ एक कन्वर्जेंस अब धीरे धीरे नजर आता जा रहा है और इसी की डिमांड धीरे धीरे आगे बढ़ती भी जा रही है. प्राइमरी रीजन, प्राइमरी वेरिएबल्स जो इस डिमांड को इंक्रीज करते हैं वो आज की डेट में करेंटली है मोनोलिथिक टू माइक्रो सर्विसेज माइग्रेशंस, ऑन प्रेम टू क्लाउड माइग्रेशंस, प्लस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हाइब्रिड प्लेटफॉर्म मॉडल्स, राइट. ये तीन ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आज की डेट में इस पूरे कन्वर्जेंस की डिमांड की क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इस सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले मोनोलिथिक टाइप ऑफ एप्लीकेशंस पे काम करते थे, एक ही सर्वर पे सारे एप्लीकेशन डिप्लॉयड होते थे, राइट. बट आज की डेट में वो एक सर्वर से निकल के मल्टीपल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में मूव हो चुके हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का होना बहुत जल्दी बहुत जरूरी हो गया है, राइट. इफ देयर इज अ डिले, देयर इज अ लॉस टू बिजनेस, देयर इज अ लॉस टू मार्केट कैप्चर, राइट, मार्केट शेयर कैप्चरिंग में डिफिकल्टी आती है, तो इस वजह से इसकी डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है. और बिकॉज ऑफ द रीजन कि मल्टीपल क्लाउड्स है, अपने क्लाउड्स के अपने अपने अलग अलग फायदे और नुकसान है, उनके बीच में कॉम्पिटिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट. तो AWS, Azure, Alibaba Cloud, right? OCI Cloud, right? Oracle Cloud Interfaces, right? तो ये सारी चीजें हैं जो आज की डेट में क्लाउड को गवर्न कर रहे हैं, क्लाउड को ड्राइव कर रहे हैं, राइट. एंड यही एक ऐसा टूल है जिस टूल के डिमांड इसलिए ज्यादा भी है मार्केट में क्योंकि इट इज क्लाउड एग्नोस्टिक, राइट. ये क्लाउड एग्नोस्टिक है, राइट. इसको जरूरत नहीं पड़ती है ऑल टुगेदर, यू नो, ये किसी भी क्लाउड पे काम कर सकता है, किसी भी क्लाउड के इंटरप्रिटेशन पे काम कर सकता है. तो पहले क्या होता था, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग की बात करें इसी सेगमेंट में, राइट, तो AWS में क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट यूज होते थे, Azure वाले सेगमेंट में ARM यूज होता था, ARM Bicep यूज होता था, राइट. इसमें क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट यूज होता था, लैम्डा यूज होता था, राइट. यूज डिफरेंट टूल्स व्हिच प्राइमरी आर बीइंग यूज्ड इनटू दिस सेगमेंट. बट अब धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि एक ही कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों अलग अलग क्लाउड में एग्जिस्ट करते हो, एक ही एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों अलग अलग क्लाउड में एग्जिस्ट करते हैं, जहां क्लाउड कन्वर्जेंस की जरूरत पड़ती है, जहां ऐसा एक टूल चाहिए जो इन दोनों को ही हैंडल कर सके, इन दोनों जगह प्रोविजन कर सके. प्लस कई जगह ऐसा होता है कि हमारे ऑन प्रेम पे VMware क्लस्टर्स होते हैं, राइट, जहां हमें VMware क्लस्टर्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट करना होता है, बट इट इज मोर ऑन प्रेम. तो ऐसा कौन सा टूल है जो यहाँ पे भी यूज हो सकता है, एंड दैट्स वेयर प्राइमरली Terraform comes into picture. यही आज की डेट में एक मार्केट में ऐसा टूल है, नॉट द ओनली वन बट इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट टूल्स इन द मार्केट, जो आपके Terraform जैसे टूल को यूज करके आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग को ऑटोमेट कर सकते हो. राइट, प्राइमरली दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड वाई वी वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड इन द करेंट मार्केट एंड द करेंट मार्केट डिमांड. राइट, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको इस सेगमेंट में आना है, इस सेगमेंट आपको लगता है कि इसकी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि हाँ आपको ये कोर्स डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए. राइट, इस कोर्स को करने को आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे. इस कोर्स को करने से आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट कैसे कर सकता हूँ मैं. राइट, तो ये एक सेगमेंट है जहां आप धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्लाउड डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो. आज की डेट में इस कोर्स को करने के लिए Terraform यानी कि HashiCorp जो इसको ओन करता है, उसके हिसाब से जो प्री रिक्विजिट है वो ये कहता है कि आपको बेसिक टर्मिनल स्किल्स आने चाहिए कि आपको DOS, MS Windows, राइट, विंडोज DOS या लिनक्स पे आपने काम करा हुआ, आपको लिनक्स की कमांड्स पता है, आपको विंडोज की कमांड्स पता है. राइट, तो ये आपके लिए प्री रिक्विजिट है.
आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑन प्रेमिस और क्लाउड आर्किटेक्चर कैसा होता है, राइट? सो दिस आर द टू प्रीरिक्विजिट्स फॉर दिस कोर्स जो हाशिकॉम रिकमेंडेड है, जो हाशिकॉम कहता है कि हाँ आपके पास ये स्किल सेट्स अगर हैं तो यू कैन लर्न टेराफॉर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट, द करंट सर्टिफिकेशन विच हाशिकॉम प्रोवाइड्स इज टेराफॉर्म एसोसिएट 002 एंड टेराफॉर्म एसोसिएट 003. दोनों ही पे ही जो प्रोडक्ट वर्जन ऑन विच इट इज बीइंग टेस्टेड एंड द एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन आर टेराफॉर्म 0.15 एंड हायर, राइट? तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने इससे ऊपर के वर्जन पे काम किया हुआ, आपको इसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, राइट? उसी के बेस पे आप एग्जाम्स दे सकते हो टेराफॉर्म एसोसिएट का. देर आर टू एग्जाम्स, टेराफॉर्म एसोसिएट 002, टेराफॉर्म एसोसिएट 003. तो जिन लोगों ने टेराफॉर्म एसोसिएट का सर्टिफिकेशन इनिशियली करा था, दे हैव टू स्टार्ट माइग्रेटिंग टू टेराफॉर्म 003. ठीक है, एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड है, यानी कि आप ऑनलाइन इस एग्जाम को दे सकते हो. ड्यूरेशन उसका 1 घंटा है. उसकी अराउंड तकरीबन फीस, एग्जाम फीस इज अराउंड $70, $70-$80, राइट? इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द GST, एप्लीकेबल टैक्सेस, लोकल टैक्स और एप्लीकेबल फीस होती है वहाँ पे जो एग्जामिनेशन टीम लेती है. एंड देन द लैंग्वेज इज इंग्लिश. द एक्सपायरेशन फॉर दिस सर्टिफिकेट इज 2 ईयर्स. पहले एक्सपायरी नहीं थी, इसको अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है. अब टेराफॉर्म एसोसिएट का जो कोर्स है वो धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें टेराफॉर्म के एंड पे भी चेंज हो रही है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कुछ चीजें अपग्रेड करी है. तो 002 और 003 के कोर डिफरेंसेस के बारे में जान लेते हैं, पहले क्या था और अब क्या है. तो 002 एग्जाम वॉज द अर्लियर एसोसिएट सर्टिफिकेशन, राइट? जो अब चेंज होके टेराफॉर्म एसोसिएट 003 हो गया है. उसमें से काफी सारा जो कोर्स मॉड्यूल है उसमें से कुछ चीजें हैं जो इन्होंने चेंज करी हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं इन द एग्जाम, राइट? जो प्राइमरली कुछ चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसको टेराफॉर्म आता है उसको ये चीजें आनी चाहिए. ही शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एंड ही शुड बी एबल टू, यू नो, द पर्सन शुड बी एबल टू नॉट ओनली डेमोन्स्ट्रेट दैट, द पर्सन शुड बी ऑल्सो एबल टू have knowledge in and around those areas, जो कुछ चीजें इसमें integrate हुई. तो पहले क्या था, पहले यहाँ पे provisioners और provisioners की demand होती थी. provisioners का reason पूछा जाता था कि क्यों provisioners use होते हैं, कैसे use होते हैं, कैसे use करना है. कोई ना कोई एक use case भी दिया होता था जिसको आपको solve करना होता था, राइट? तो वो अब हट गया है, उसकी अब डिमांड नहीं रह गई है. डिमांड रह गई है बट इट इज नॉट आस्क द सेम वे जैसे वो पहले पूछा जाता था, राइट? फिर उसके अलावा टेराफॉर्म का जो कोर वर्क फ्लो था उसमें से टेराफॉर्म टेंट हटा दिया गया है, बट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आ सकते हैं पर थोड़े से घुमा के आ सकते हैं. तो पहले वो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था, पर अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया गया है, ताकि अगर आपको आंसर देना होगा उस क्वेश्चन को तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेराफॉर्म टेंट क्यों यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है. बट वो क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्रिकी हो गया. इनिशियलाइज अ टेराफॉर्म वर्किंग डायरेक्टरी, ये एक चेंज था. टेराफॉर्म यूनिट के बारे में तो पूछते ही थे, आज की डेट में वो टेराफॉर्म ब्लॉक के बारे में पूछते हैं. तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं, राइट, जो इस चेंज के जो एग्जाम्स के अंदर आई हैं, राइट? जहां वो आपसे पहले ये था कि डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ वेरिएबल्स एंड आउटपुट्स पूछा करते थे, आज की डेट में वो आपसे काफी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं इन एंड अराउंड वेरिएबल्स और आउटपुट्स के रिलेशनशिप्स को लेकर, राइट? कैसे आप आउटपुट को डिराइव करोगे, आउटपुट्स आपके बहुत टाइप के होते हैं, बहुत जगह से डिराइव हो सकते हैं, वो डेरिवेशंस कैसे होंगे. आपको पहले सिर्फ डायनामिक ब्लॉक का बहुत लिमिटेड सा क्वेश्चन आता था, बट अब डायनामिक ब्लॉक को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, इलैबोरेटिव आते हैं. अगर आपको डायनामिक ब्लॉक के बारे में नहीं पता है, आपके हैंड्स ऑन एक्सपोजर नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है. प्लस टेराफॉर्म क्लाउड की कैपेबिलिटीज पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है. टेराफॉर्म क्लाउड की कैपेबिलिटीज में बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो रिकंस्ट्रक्ट करे गए हैं बेस्ड ऑन द करंट एंड द फ्यूचर स्टेट ऑफ टेराफॉर्म क्लाउड. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो 002 और 003 के बीच में है, जो आने वाले टाइम में जो सर्टिफिकेशन वैलिड रहेगा वो 003 रहेगा. 2 साल के लिए एप्लीकेबल है, राइट? अगर आप उस सर्टिफिकेशन को कर लेते हो तो यू बिकम अ सर्टिफाइड टेराफॉर्म एसोसिएट. जो कोर टॉपिक्स कवर्ड होते हैं इस एग्जाम के अंदर, हम उनको उनके बारे में बात करते हैं. वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू अंडरस्टैंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के कॉन्सेप्ट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर कोड कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होना चाहिए, राइट? व्हाट आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स
जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के लिए जरूरी है, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, राइट, वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उनका अप्लाई कैसे किया जाता है। आपसे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप टेराफॉर्म का पर्पस समझ पाओ और वो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर IaaS टूल्स, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के टूल्स से कैसे डिफर करता है, क्यों डिफर करता है, कहाँ डिफर करता है। आपसे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको टेराफॉर्म के बेसिक्स पता है, बेसिक्स इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हिच इंक्लूड्स प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, SQL लैंग्वेज, आपसे बेसिकली प्रोविजनर्स, फंक्शंस, राइट, तो बहुत सारी चीजें हैं। देन आपसे टेराफॉर्म CLI, जो टेराफॉर्म का कोर कमांड लाइन इंटरफेस है, उसके बारे में एक्सपेक्टेड है कि आपको कमांड लाइन इंटरफेस यूज करना आता है। नॉर्मल कोर वर्कफ्लो से बाहर आपको टेराफॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस कैसे यूज करना है, क्या ऐसी चीजें होती है जो टेराफॉर्म की, ऐसी कौन सी कमांड्स हैं जो उसके कॉमन वर्कफ्लो से हटकर हैं बट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और उनको कैसे हैंडल करना पड़ता है। फिर आपसे वो इस बात एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले टेराफॉर्म मॉड्यूल्स को उतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको टेराफॉर्म मॉड्यूल्स आए, आपको आते हैं, आप उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि थ्रू आउट, राइट, आपके कोर्स में या जो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, राइट, वो आप जब ये एग्जाम देने बैठते हो तो क्या आपने मॉड्यूल्स पे काम करा है, क्या आपको मॉड्यूल सेग्रीगेशन पता है, क्या आपको मॉड्यूल इंटरपोलेशन पता है, क्या आपको मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स के बीच में डिफरेंस पता है, हाउ पेरेंट एंड चाइल्ड मॉड्यूल्स वर्क, ये का आपको पता है। तो ये सारे क्वेश्चंस अब थोड़े से ट्रिकी हो गए हैं बेस्ड ऑन यूज केसेस। आपको वो ये देखते हैं कि आप टेराफॉर्म वर्क फ्लो को कितना नेविगेट कर सकते हो, किस लेवल तक नेविगेट कर सकते हो, कैसे स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस आते हैं, कैसे स्टेट मैनेज करना पड़ता है, अगर कैसे स्टेट ड्रिफ्ट है, कैसे टेराफॉर्म ड्रिफ्ट है, उनको कैसे मैनेज करोगे, राइट। तो ये सारी चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपसे वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा आपको अगर स्टेट हैंडल करना है, टेराफॉर्म स्टेट को हैंडल करना है, तो टेराफॉर्म स्टेट को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक बार क्रिएट नहीं होता, उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब चेंजेस आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आप कोड के थ्रू भी ला रहे हो, आउटसाइड द कोड भी लेकर आ रहे हो, तो जब आप आउटसाइड द कोड वर्क फ्लो जाते हो तब स्टेट के डिफरेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं। हम स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, अगर आपने किसी ने एंसिबल पे काम किया हुआ है तो आपको डिजायर्ड स्टेट और एक्चुअल स्टेट का थोड़ा सा आइडिया होगा, बट अगर आपने उस एरिया पे काम नहीं किया हुआ तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे इस पूरे कोर्स में वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एंड देन ट्राई टू इम्प्रोवाइज द एंटायर करिकुलम एंड योर कैपेसिटी और योर केपेबिलिटी, कि जब आप इन चीजों को हैंडल करो तो आपके पास एक प्रैक्टिकल रियल टाइम एक्सपोजर। तो ये हमारा फोकस रहता है थ्रू आउट द कोर्स। प्लस हम बात करते हैं कि ये जो टेराफॉर्म का एग्जाम है उसमें ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती है कि वो आपको कोड लिखना आता है, कोड की कॉन्फ़िगरेशन को मॉडिफाई करना आता है, आप कोड जनरेट करना आता है, राइट, आप कोड्स के साथ मल्टीपल तरीके से सेम कोड को एक्सपैंड कर सकते हो, या आप उस कोड को कैसे मॉड्यूलर अप्रोच देते हो, आप उस कोड को कैसे हर बार नॉन रिपीटेबल बनाते हो, तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन होती है इस एग्जाम में। प्लस आपका टेराफॉर्म क्लाउड और एंटरप्राइज की कैपेबिलिटीज क्या हैं, कैसे वो डिफरेंट है, क्या से वो ओपन सोर्स वाले टेराफॉर्म से डिफरेंट है, ये सब भी इस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। तो अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज फील फ्री टू ब्रिंग इट ऑन, राइट। मैं थोड़ी देर के लिए शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगर इसके बीच में अगर आपका क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क। इन द मीन टाइम लेट मी आल्सो चेक इन द चैट कि किसी का क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं। ओके, हैमी आर पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज टेल अस एग्जाम फीस इंक्लूडिंग द टैक्स। सो दिस इज अराउंड $70.50, राइट, दैट्स द इनिशियल फीस, बट दैट इंक्लूड्स द नॉट इंक्लूड्स टैक्सेस। टैक्सेस विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन द GST, तो GST लगता है 18% का। 18% के GST के बाद वो इन एंड अराउंड आपका तकरीबन तकरीबन $72 के आसपास तक का जाके बैठता है, 72 to 73 डॉलर्स के आसपास जाके बैठता है। Which cloud provider will be covered primarily in your lectures? AWS, Azure, GCP? तो हमारे ये प्रतीक का क्वेश्चन है। प्रतीक, primarily what we do is, so we are not dependent on
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइमरी सारा का सारा हम कोशिश ये करते हैं कि AWS के आसपास ही रखेंगे, राइट। AWS हो, Azure हो, VMware हो, Oracle क्लाउड हो, आपको पूरे कोर्स में ये जरूर सिखाया जाता है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास आता है तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे, राइट। आप उसको कैसे देखोगे, आपको उसको ढूंढने के लिए, उस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को लिखने के लिए क्या चाहिए। और ये आपको ना बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर आपको करवाया जाता है, ताकि जब आप ऑन ग्राउंड इसको करने की कोशिश करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट टू लर्न टेराफॉर्म? प्रणव, आपने अगर मिस किया तो हमने इस चीज को आंसर करने की कोशिश करी है कि आपका जो प्रीरिक्विजिट है बहुत बेयर मिनिमम है। आपको बेसिकली नॉर्मल लिनक्स की कमांड्स पता होनी चाहिए, आपको नॉर्मल डायरेक्टरी क्रिएट करना, डायरेक्टरी डिलीट करना, फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, ये सब पता होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, राइट, अराउंड प्रीरिक्विजिट्स की। हाँ, बट जो वेरी बिगिनर्स लेवल पे आते हैं, राइट, उसके लिए हमारे, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हाउ अवर करिकुलम मैप्स टू द एग्जाम, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, राइट। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ मनीष जी, अगर आप कोडिंग, इफ आई एम नॉट गुड विद कोडिंग, तो जो हम बात करेंगे ना, जब हम अगर आप कोर्स को देखोगे या टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे, तो वो हार्ड कोर कोडिंग नहीं है। यस, इट इज बेस्ड ऑन द कोड फंडामेंटल्स, क्योंकि वो कोडिंग ही कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कोड कहते हैं हम उसको, बट उसको कहने का रीजन काफी डिफरेंट है। उसमें कोडिंग, सॉफ्टवेयर कोडिंग के प्रिंसिपल्स अलाइन होते हैं, बट खुद जो SQL लैंग्वेज, हाशीकॉप जो लैंग्वेज है, इट्स वेरी इजी टू लर्न, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वंस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, वंस योर फंडामेंटल्स आर क्लियर, राइट, वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ट्रिकी है। और जिस स्पीड पे, जिस पेस पे हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जिस पेस पे आप लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हो, आपके लिए वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो डेवऑप्स वाले साइड से आते हैं, जेनकिन स्पेस काम किया हुआ होता है, पर उनको ग्रूबी स्क्रिप्टिंग नहीं आती, तो उनके क्वेश्चंस काफी रहते हैं कि सर क्या वो ग्रूबी स्क्रिप्टिंग जैसा डिफिकल्ट होगा? नहीं, द आंसर इज नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट लाइक ग्रूबी स्क्रिप्ट। बट हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट एन यामल फाइल, राइट, अगर आपको यामल फाइल लिखनी आती है या आपको अगर जेसन का एक्सपीरियंस है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू ग्रास्प अक्रॉस। डिफरेंस बिटवीन जेनकिंस एंड टेराफॉर्म, फैजल, आई विल गिव यू दैट आंसर। टेराफॉर्म और जेनकिंस में डिफरेंस है, जेनकिंस आपका एक ऑर्केस्ट्रेटर है, जबकि टेराफॉर्म आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग टूल है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। कोर्सवेयर के करिकुलम में एक पोर्शन ऐसा भी है जहां हम कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी मॉडल पे बताते हैं कि कैसे टेराफॉर्म बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर जेनकिंस ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने मेरा मतलब है कि क्वेश्चंस में थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। आई विल कम बैक टू द क्वेश्चंस अगेन। इन द मीन टाइम लेट मी हेल्प यू कि हाउ डू वी कैप्चर दीज थिंग्स इन अवर कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपके लिए यूजफुल होती हैं। सो लेट मी गो बैक टू माई स्क्रीन अगेन। हम अब बात करते हैं कुछ कोर टॉपिक्स की, राइट, जो हमने अपने इस कोर्स में डिवाइस करी हैं, राइट, जो हाशीकॉप के रिकमेंडेड कंटेंट से थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा एडिशनल है। क्योंकि जो हाशीकॉप का रिकमेंडेड कंटेंट है वो बहुत बेसिक है, राइट। हम उसको जब अपने यहाँ मैप करते हैं, तो हमने उसको मैप करा है आपको जो लाइव एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स पे चाहिए, या जब आप काम करने जाते हो, जब आप ऑफिस पे काम कर रहे हो, जब आपका क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन करने की डिमांड आ रही है, तब आप उसको कैसे हैंडल करोगे। दैट्स हाउ द एंटायर करिकुलम इज मैप्ड। वो बिगिनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक को बहुत सपोर्ट करने वाला है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगा भी, थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा भी कि कैसे ये मैप्ड है। हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड से, शुरुआत से। तो दैट्स द जनरली द वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन विच वी ब्रिंग इन, कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की डिमांड क्यों आई है, कैसे वो मार्केट में आया, क्या उसकी हिस्ट्री थी, क्यों सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को आज की डेट में मैनेज करने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है, राइट। हम डिस्कस करते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिक से, तो कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साइड से नहीं भी हो तो भी आपको कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पता होने चाहिए, क्यों है वो कंपोनेंट्स, राइट, कौन से कंपोनेंट का क्या रोल है, राइट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट यू नो कि व्हाट आर द क्लाउड रिसोर्सेज एंड क्लाउड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, कि कौन से क्लाउड रिसोर्सेज AWS में, Azure में, VMware में थोड़े से सिमिलर हैं या थोड़े से डिफरेंट है, किस सर्विस का क्या नाम है, किस सर्विस का क्या पर्पस है, व्हाट इज देयर डिफरेंशिएशन, राइट, कुछ पे चीजों में लिमिटेशन दिखेगी, कुछ चीजों में लिमिटेशंस नहीं दिखेंगी, राइट. फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, आप AWS में EC2 इंस्टेंस बनाते हो, उसका नाम सेम हो सकता है, बट आप Azure में कोई VM बनाते हो, उनका नाम सेम नहीं होता. तो ऐसे छोटे छोटे लिमिटेशंस है, और उन लिमिटेशंस को टेराफॉर्म जब आप कोड कर रहे होते तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, राइट. तो जब हम टेराफॉर्म का कोड लिखते हैं या टेराफॉर्म की कोडिंग एक्सपीरियंस को समझेंगे, राइट, तो हम इन चीजों को वहां पे कवर करते हैं कि कैसी कौन सी लिमिटेशंस को आपको हैंडल करना है, अगर लिमिटेशन आती है तो आपको कैसे कोड में वो डीबग करना है, ठीक है. फिर हम बात करते हैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कोड टूल्स की, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, क्या एंसिबल है, क्या जेनकिंस है, क्या क्लूमी है, राइट, क्या टेराफॉर्म है, क्या टेराग्रंट है, तो ऐसे और कौन कौन से टूल्स हैं जिनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्लाउड फॉर्मेशन में और टेराफॉर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट, अजोर रिसोर्स मैनेजर, अजोर कमांड लाइन इंटरफेस, टेराफॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, क्यों एक दूसरे से बेटर है और क्या एक दूसरे के साथ कंजक्शन में चलता है. तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेराफॉर्म ही एक ऐसा टूल है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि IAC अपने आप में तीन अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ जुड़ के बनता है. टेराफॉर्म कहाँ से शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, टेराफॉर्म का प्रोग्रेस कैसे हुआ, कब टेराफॉर्म को पीक रीच हुआ, क्यों अब टेराफॉर्म इतना पॉपुलर है, हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट. ये आपको सपोर्ट करता है जब एग्जाम के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पे भी आ जाए. यू विल सी द मैजिक ऑफ टेराफॉर्म, व्हाट टेराफॉर्म कैन डू. इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है कि क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं, कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो टेराफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है. आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए जो आज की डेट में एफर्ट डालते हो, वो एफर्ट आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, हाउ कैन यू रिड्यूस योर मीन टाइम टू रिलीज, हाउ कैन यू रिड्यूस योर मीन टाइम टू डिलीवर, राइट. हम इन चीजों पे बात करते हैं, MTTD पे, MTTR पे, राइट, कि इन चीजों को हम कैसे हैंडल करते हैं, हाउ डू यू प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, उन चीजों के बारे में बात करते हैं. हैशिकॉर्प लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है, क्यों हैशिकॉर्प लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे हैशिकॉर्प लैंग्वेज यूज होता है, राइट, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर्मेशन, व्हाट इज अ रिसोर्स ब्लॉक, व्हाट इज अ डेटा ब्लॉक, तो इन चीजों के बारे में बात करते हैं. हम ये देखते हैं कि फंडामेंटली आपको हैशिकॉर्प लैंग्वेज सीखने के लिए क्या चाहिए, राइट, और क्या आपके पास उसको सीखने के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए. द आंसर इज नो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स नहीं चाहिए. अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तब भी आप हैशिकॉर्प लैंग्वेज बहुत इजीली सीख सकते हो. आपको अगर शेल स्क्रिप्टिंग का आइडिया नहीं है, अगर आपको बैश स्क्रिप्टिंग का आइडिया नहीं है, तो उसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, राइट. हाँ, अगर आपके पास है तो आपके पास एडिशनल निश जरूर होता है, आपको उसके एडिशनल एज जरूर मिलता है, बट अगर वो नहीं भी है तब भी आप टेराफॉर्म कोडिंग सीख सकते हो. हम बात करेंगे टेराफॉर्म प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन की, प्रोवाइडर्स होते क्या हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, राइट, मल्टीपल प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोवाइडर की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे बनती है, कैसे आप एक ही कोड से अजोर में, AWS में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप एक ही कोड से दो अलग अलग एरियाज में क्रिएट कर सकते हो, कैसे ही आप एक ही कोड को यूज करके, राइट, मल्टीपल रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हो. तो हम इन चीजों पर डिस्कशन करते हैं, इन चीजों के ऊपर लैब्स करते हैं, ये आपको क्लैरिटी मिलती है. टेराफॉर्म के वर्क फ्लो को समझते हैं, टेराफॉर्म का एक पूरा साइकिल है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, कैसे उस लाइफ साइकिल को मैनेज करना होता है, कैसे उस लाइफ साइकिल पे काम होता है. सो वी टॉक अ लॉट अबाउट ऑफ दिस एंड वी प्रैक्टिस पुट दैट इनटू प्रैक्टिस आल्सो. वी आल्सो टॉक अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेराफॉर्म, कि उस वर्क फ्लो को मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे आपको कोड को स्ट्रक्चर करना है, कैसे आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, क्या आपके पास क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज या प्रिंसिपल्स आप अप्लाई करते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू ड्राफ्ट योर टेराफॉर्म कोड, राइट. फिर हम बात करते हैं टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन को कैसे देखता है, कैसे मुझे ये पता करना है कि अच्छा भाई क्या बनाना चाहता हूँ मैं, कैसे क्रिएट होगा, क्या चीज डलेंगी उसमें, कैसे कैसे क्या प्रॉपर्टीज आ सकती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में क्रिएट कर सकता हूँ, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आपके पास डिमांड आती है, क्या वो टेराफॉर्म से बन भी सकती है. क्या आपको पता है आज की डेट में आप टेराफॉर्म को यूज करके अपने लोकल लैपटॉप पे डॉकर का कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हो, दैट इज इवन पॉसिबल यूजिंग टेराफॉर्म, राइट.
हम बात करते हैं फिर टेराफॉर्म वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स से वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसको यूज करना है, कैसे वेरिएबल्स के अंदर हम मिक्स एंड मैच करके वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे यूज केसेस हैं जिनसे वेरिएबल्स के थ्रू आपकी जो टेराफॉर्म का कोड है उसको ऑटोमेट कैसे करा जा सकता है। वी टॉक अ लॉट अबाउट दैट। वी टॉक अबाउट टेराफॉर्म स्टेट, स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, टेराफॉर्म स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, डिजायर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजायर्ड और एक्चुअल के बीच में अगर गैप आ जाता है तो क्या करते हैं, राइट। सो वी टॉक अबाउट टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट, टेराफॉर्म इनपुट्स एंड आउटपुट्स को यूज कैसे करना होता है, टेराफॉर्म के इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या आता है, क्या आउटपुट देता है टेराफॉर्म, अगर वो आउटपुट देता है उस आउटपुट को मुझे कहाँ यूज करना है, उस आउटपुट को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ, किस किस और टूल के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कैसे उस आउटपुट को यूज करके जेनकिंस में मैं लेके जा सकता हूँ और उससे मैं किसी को ईमेल भेज सकता हूँ कि हाँ ठीक है एक आईपी एड्रेस है जो मुझे टेराफॉर्म का कोड एग्जीक्यूट होने के बाद पता चल रहा है, राइट। तो उस आईपी एड्रेस के लिए मुझे कंसोल में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को वो कोड से ही पता चल जाएगा। बैकेंड्स क्या होते हैं, टेराफॉर्म के बैकेंड्स कहाँ यूज होते हैं, लोकल बैकेंड क्या होता है, रिमोट बैकेंड क्या होता है, अपने बैकेंड को मैनेज कैसे करते हैं, राइट। ये सब इंफॉर्मेशन भी हम आपको देते हैं, सिखाते हैं, हैंड्स ऑन करवाते हैं। टेराफॉर्म के अलग अलग फंक्शंस, टेराफॉर्म के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, इनबिल्ट फंक्शंस में भी काफी सारे फंक्शंस हैं। टेराफॉर्म में हम कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फंक्शंस को टच करते हैं जो आपके रेगुलर यूज केसेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, रेगुलर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में यूज होते हैं। हम बात करते हैं टेराफॉर्म लूप्स की, आपको एक लूप लगाना है, वो लूप कैसे लगता है, डिफरेंट मल्टीपल वेज है लूप लगाने के। सिर्फ लूप आपके टेराफॉर्म रिसोर्सेस में ही लगता है, आपके इनपुट्स और आउटपुट ब्लॉक्स में भी लूप्स लगते हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं प्रोविजनर्स की, लोकल प्रोविजनर क्या होता है, रिमोट प्रोविजनर क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्युलैरिटी कैसे लेकर आनी है, एक ही टेराफॉर्म का कोड है, राइट, उसी कोड के थ्रू आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट, आप मॉड्यूल्स कैसे बनाओगे ताकि आपको हर बार इंफ्रास्ट्रक्चर कोड रखने की जरूरत ना पड़े। फिर हम बात करते हैं टेराफॉर्म के करते हुए, टेराफॉर्म को कोड लिखते हुए, टेराफॉर्म को कोड चलाते हुए मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में कैसे ट्रबल शूट करना है, कैसे डीबग करना है, अपने कोड को समझना कैसे है, आपको अपना कोड लिखना कैसे है कि ताकि सामने वाले को समझ में आ पाए, राइट। लैंडिंग जोन्स क्रिएशन, राइट, लैंडिंग जोन या ब्लू प्रिंट क्रिएशन के बारे में हम देखते हैं जो आज की डेट पे एक बहुत निश और इन डिमांड चीजें हैं कि आपको पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू एंड स्टार्टिंग फ्रॉम नेटवर्क टू लोड बैलेंसर्स, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स, नेटवर्क लोड बैलेंसर्स, डेटा सेंटर, डेटा कंट्रोलर्स, डोमेन कंट्रोलर्स, ये सब आपको डिप्लॉय करने हैं, आपको ये सब एक ही बारी में डिप्लॉय करने हैं, हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, राइट। इन चीजों पे हम डिस्कशन करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे ब्लू प्रिंट प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे लैंडिंग जोन प्रिपेयर कर सकते हो और उस लैंडिंग जोन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मल्टीपल आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की हम बात करते हैं, इवेंट बेस्ड पैटर्न क्या होता है, माइक्रो सर्विस पैटर्न क्या होता है, उस पैटर्न पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता है, आईओटी के पैटर्न पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होते हैं। सो वी टॉक अबाउट डिफरेंट रेफरेंस आर्किटेक्चर्स और उन आर्किटेक्चर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। वी टॉक अबाउट टेराफॉर्म बेस्ट प्रैक्टिसेस कि टेराफॉर्म में सिक्योरिटी कैसे देखनी है, आपको इंश्योर कैसे करना है कि आपका कोड सिक्योर है, आपका आपको इंश्योर कैसे करना है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर है, आपको ये कैसे इंश्योर करना है कि आपका कोड मॉड्यूलर है, आप मॉड्यूलरिटी पे फोकस कर रहे हो, आप ब्रेकेज पे फोकस कर रहे हो, राइट। तो आपको कैसे पता चलेगा आपके टेराफॉर्म ड्रिफ्ट मैनेज करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टेरा कोड को कैसे मैनेज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कोड लिखा है उसको आप रिपोजिटरीज में कैसे मैनेज करोगे, कैसे दो बंदे एक ही कोड पे काम करते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं जब दो बंदे एक ही टेराफॉर्म कोड को मैनेज करते हैं, राइट। आपने एक नेटवर्क लिखा, उस नेटवर्क को यूज करना है, राइट, किसी और कोई और कोड कर रहा है उस नेटवर्क को यूज करके एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर डिप्लॉय करने का, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको कैसे पता चलेगा अगर आपने कोड सही नहीं लिखा होगा, तो वो कोड कैसे मैनेज होना चाहिए, राइट। फिर हम बात करते हैं कैसे आप रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया, आपको एक आर्किटेक्ट ने कहा कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट, कितना टाइम लगता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड करने के लिए, कैसे आप अपने कोड को क्विकली कर सकते हो, क्या कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं जिनको यूज करके, राइट, आप एक बहुत अच्छा टेराफॉर्म का कोड लिख सकते हो। इन द एंड वी टॉक अबाउट टेराफॉर्म ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस है, टेराफॉर्म क्लाउड में क्या डिफरेंस है, टेराफॉर्म एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस है, हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके कोर कॉम्पोनेंट्स को डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को यूज करते हैं, अगर आप जब
प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको टेरफॉर्म एंटरप्राइज, टेरफॉर्म क्लाउड देखने को मिलता है, तो हम उसका भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल लैब्स देखते हैं कि उसपे क्या काम आ सकता है। थैंक यू गाइस। तो ये प्राइमरी हम कवर करते हैं ओवरऑल यू नो अपने सेशंस में, ओवरऑल कोर्स वेयर में, राइट। फॉर एग्जांपल्स वी लेट मी जस्ट क्विकली शो यू हाउ डू वी मैनेज दिस अक्रॉस। आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती, आपके अपने लैपटॉप पे काम होता है, राइट। इफ यू लुक एट से हमारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होते हैं, हम काफी सारा काम करते हैं अपने लैब्स में, राइट। जहाँ पे हम बहुत सारा कोड ऐसा लिखते हैं, बहुत सारे कोड्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स लेते हैं, राइट। हम बहुत सारे फंक्शंस पे काम करते हैं, बैकेंड्स पे काम करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चलेगा, कैसे बैकेंड क्रिएट होता है, टेराफॉर्म का स्टेट कैसे मैनेज होता है, कितने टाइप की चीजें हम कर सकते, कैसे आउटपुट हैंडल करना होता है, आउटपुट को कैसे मैनेज करना होता है, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज यू गेट, राइट। देन हम बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे आप मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करते हैं, कैसे आप प्राइमरली यू नो अपने एनवायरनमेंट के नाम को मैनेज करते हैं, कैसे हम अलग अलग वैल्यूज को यूज करके, राइट, कैसे हम उसको फंक्शंस को लगाते हैं, कैसे कंडीशंस लगाते हैं, व्हाट आर कंडीशनल एक्सप्रेशंस इन टेराफॉर्म, राइट। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, राइट। कैसे उन वेरिएबल्स को यूज करना है, कैसे उन वेरिएबल्स का आउटपुट लेना है, राइट, कैसे उसके आउटपुट को देखना है। तो दीज आर द सम ऑफ द आस्पेक्ट्स व्हिच वी टॉक अबाउट, दीज आर द सम ऑफ द आस्पेक्ट्स व्हिच वी लुक। और ये बहुत जल्दी आ जाता है कोर्स में, आपको बहुत टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता, राइट। इफ यू सी दिस इज द मॉड्यूल फॉर वेरिएबल्स व्हिच ऑलवेज इज लेसन 5, वी गो टू 12 टू 13 मॉड्यूल्स, पर लेसन 5 में आपको उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आप इन लाइन प्रोडक्टिव हो जाते हो लेसन 5 ऑनवर्ड्स, राइट। सो दिस इज हाउ वी प्राइमरली हैव डिजाइन द कोर्स, दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट, राइट। आपको इनिशियल लेवल पे ही बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे आप अपना कोर्स धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली करते करते एक्सपीरियंस गेन कर पाते हो। लेट मी ट्राई टू आंसर अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। फैजल तक के शायद मैंने क्वेश्चंस आंसर किए थे, अगर मैंने किसी का मिस किया हो तो आई एम सॉरी, डू रीच मी आउट ऑन केयर नेटवर्क क्लाउड अगेन। आप टेक्निकल गुरु जी को कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ही स्टिल देयर एंड ही विल हेल्प यू इन प्राइमरी आंसरिंग ऑल योर आंसर्स। अच्छा हम बात करते हैं, इज टेराफॉर्म इंटीग्रेशन विद जीसीपी इन कोर्स। पंकज जी, टेराफॉर्म इंटीग्रेशन विद जीसीपी इन कोर्स की अगर आप बात कर रहे हो कि क्या हम कोई लैब करते हैं उस पर, आंसर इज नो, हम उस पर लैब नहीं करते हैं, हम अपने सारे लैब्स AWS और Azure से रिलेटेड रखते हैं, राइट। बट हाँ डेफिनेटली हम आपको ये जरूर सिखाते हैं कि जीसीपी को हैंडल कैसे होगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ से देखना है कि उसको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए। अगर आप अपने पास आपको अपना गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का अकाउंट है तो यू कैन डेफिनेटली नो हेल्प योर सेल्फ इन राइटिंग द सेम कोड which we are going to write for AWS or Azure, right? तो ये कर सकते हैं। क्या YouTube के कमेंट इग्नोर होंगे, ये नहीं पता मुझे, ये क्वेश्चन कितना जायज नहीं लगता है मुझे। ड्यूरेशन ऑफ टेराफॉर्म ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग कोर्स इज अराउंड 1.5 मंथ्स ड्यूरेशन, वीकेंड ड्यूरेशन का कोर्स है, वीकेंड वीकेंड पे ही होता है, तो अराउंड 1.5 मंथ्स चलता है। ड्यूरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आपको सिर्फ ड्यूरेशन डिपेंडेंट नहीं है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, अगर एक्स्ट्रा सेशंस की जरूरत होती है तो वी आर ऑलवेज ओपन टू गिव यू एक्स्ट्रा सेशंस एज वेल। सर डू इट रिक्वायर, मनोज मतपाल जी, डू इट रिक्वायर कोडिंग एक्सपीरियंस प्रायर टू लर्निंग टेराफॉर्म। नहीं सर, कोई कोडिंग एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, टेराफॉर्म इज इजी टू लर्न लैंग्वेज, राइट। आपको अगर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन देते हो, अपना टाइम एनर्जी एफर्ट लगाते हो, वी एंश्योर दैट यू by the time you leave the course, by the time you finish the course, right, you are well experienced and nobody calls you a beginner. ठीक है। Have you also teach how to refer open source module and how to create your own module? Yes, Siddharth, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम सिर्फ modules की नहीं बात करते हैं, मॉड्यूल्स और सब मॉड्यूल्स भी सिखाते हैं कि हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स, राइट। दोनों ही चीजें कवर होती है, पेरेंट चाइल्ड मॉड्यूल्स के रिलेशनशिप कैसे होते हैं, हाउ डू यूज वेरिएबल्स इन योर मॉड्यूल्स, राइट, हाउ डू यूज इनपुट्स एंड आउटपुट्स, तो ये सारी चीजें हम कवर करते हैं।
पंकज जी का क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ. विल यू प्रोवाइड प्रैक्टिस सेट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न्स फॉर प्रैक्टिस पर्पस. हमें प्रैक्टिस सेट्स की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वी एग्जैक्टली नो, क्योंकि टेलीफॉर्म का एग्जाम्स चेंज होता रहता है. बट डेफिनेटली वॉट एवर द मैक्स सपोर्ट वी कैन प्रोवाइड यू फ्रॉम आवर एंड, वी डेफिनेटली डू दैट. वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर एग्जाम्स विच कैन लुक इनटू दिस. क्या टेराफॉर्म के ऑल सेशंस वीएस कोड पे होंगे? पंकज, टेराफॉर्म के सारे सेशंस वीएस कोड पे भी हो सकते हैं. आप चाहो तो नोटपैड भी यूज कर सकते हो, आप चाहे तो लिनक्स का आई नो विम भी यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स. तो टेराफॉर्म के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है वीएस कोड की, बट वीएस कोड अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर आपको जो चीजें बताते हैं राइट, उससे आपकी कोडिंग का एक्सपीरियंस काफी एक्सपीरियंस जो डेवलपर एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो काफी इम्प्रोवाइज हो जाता है. अगर टेराफॉर्म डज नॉट वर्क ऑन यामल और जेसन राइट, इट्स अ हाइब्रिड मॉडल. तो जब हम डिस्कस करते हैं, जो जब हमारा टेराफॉर्म का इनिशियल इंट्रोडक्शन है उसमें हम आपको डेफिनेटली बताते हैं कि टेराफॉर्म का बैकएंड चलता कैसे है, एक्चुअल अंडर द हुड टेराफॉर्म होता क्या है, जब आप कोई कोड लिखते हो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे इंटरप्रेट करता है टेराफॉर्म उसको और कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है. तो डेफिनेटली दैट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स वेयर वी डेफिनेटली टच अराउंड दैट. Which tool you will use to deploy code as per environment? So definitely, you know, Terra Grunt or Terraform Cloud, I don't know, both are not important. I think Terraform, if it is there, you can deploy. I think the context आप सिद्धेश पूछना चाहते होंगे वो शायद different है, right? शायद question का formation नहीं समझ आया मुझे, but then मेरे लिए अगर मुझे Terraform आता है तो ना मुझे Terra Grunt की जरूरत है ना Terraform Cloud की जरूरत है, क्योंकि मैं provide कर सकता हूँ. Terraform Cloud और Terra Grunt का जो ओवरऑल रीजन है वो काफी डिफरेंट है. वो कब पिक्चर में आते हैं डेफिनेटली वी टॉक अबाउट दैट टुवर्ड द एंड ऑफ अवर कोर्स वेयर, कि हाँ हमको कहाँ ऐसे कौन से और टूल्स है. तो टेरा ग्रांट इज नॉट द ओनली टूल, देर आर अदर टूल्स विच आर ऑन टॉप ऑफ टेराफॉर्म विच यू कैन यूज. इस टेराफॉर्म हैज ऊप्स कॉन्सेप्ट्स. ज्योति जी, टेराफॉर्म में ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हैं बट नॉट एवरी यूप्स कॉन्सेप्ट इज देयर राइट. पॉलीमॉर्फिज्म है राइट, टेराफॉर्म में इंटरपोलेशंस है राइट. सो सर्टेन यस, क्योंकि वो कोड है तो उसमें कोडिंग के कोर प्रिंसिपल्स इनलाइन है, बट हाँ वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. एडमिशन कैसे ले? सूरज जी, आपको एडमिशन लेने के लिए केरला नेटवर्क क्लाउड की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. वहाँ पे केरला नेटवर्क क्लाउड की वेबसाइट से आप वहाँ पे नेटवर्क टीम का वहाँ टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे आप अराउंड इन एंड अराउंड यू नो जा सकते हो, देख सकते हो राइट, और वहां पे आप रीच आउट कर सकते हो. कैन यू प्लीज सजेस्ट मी वीडियोस कोर्स ट्रेनिंग ऑन टेराफॉर्म फॉर ओपन स्टैक? यथीश, यू डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट यू अक्रॉस राइट, टेराफॉर्म और ओपन स्टैक. प्रोबेबली नो इन सम अदर लाइव सेशन वी विल प्रोबेबली कवर दैट टू. और जेनकिंस इंटीग्रेशन पर अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो यस डेफिनेटली वी डू, वी टॉक अबाउट जेनकिंस इंटीग्रेशन विद टेराफॉर्म. AWS और GCP अकाउंट रिक्वायरमेंट्स, सुनील जी, AWS आपको लेना पड़ेगा GCP अकाउंट्स. AWS हम लोग नॉर्मली फ्री टायर यूज करते हैं जस्ट फॉर इनिशियल लेवल राइट. तो फ्री टीयर जो अकाउंट्स हैं उनको यूज करके ही हमारे लैब्स हम देते हैं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए. क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सूरज जी, क्वालिफिकेशन अगर आपको हिंदी समझ में आती है और तो डेफिनेटली कोर्स सीखने के लिए आपको इसके एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. बट हाँ, फॉर द मार्केट एंड ऑल यू माइट हैव टू कम फ्रॉम यू नो अ टेक्निकल बैकग्राउंड, ठीक है. तो मार्केट में वो उसकी डिमांड है कि आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, अगर आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली आपको एक एज मिलता है. सो आई थिंक आई वॉज होपफुली एबल टू आंसर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन. अगर कुछ रह गया है तो कृपया माफ करें राइट. एंड डेफिनेटली यू नो वी विल ट्राई टू सी वी विल ट्राई टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मोर सेशंस अराउंड दिस, सो दैट आपको आने वाले टाइम में थोड़ा और पता लगता रहे टेलीकॉम में क्या चल रहा है, टेलीकॉम में क्या आने वाला है. एंड वी विल डेफिनेटली यू नो गेट इन टच अगेन. हाउ टेलीकॉम मेक्स यूज ऑफ एसटी एंड डीसी फैब्रिक? हाई लॉयड, प्रोबेबली नो
So the software delivery network is more of a concept on towards the telecom side of the things, right? So BCF VNFs की अगर हम बात करते हैं, तो definitely you know that's not a topic which I'll ever have to cover today, but then probably you know, but definitely you can use Terraform and Anora to create those aspects also depending on which cloud you're using, right? And so that will entirely depend upon that how what is your use case. We might talk about it in you know, our next sessions whenever we you know touch around that topic. This is primarily new for a very, very beginner level, you know, discussion on Terraform, which I wanted to have people on. Sir, contact number kya hai, rupees kitne lage hain? Suraj, all this information aapko mil jayegi. Aap Care Network Cloud ke site pe jao, website pe jao, you'll be able to find that, right? To aapko mil jayega wahan pe. Probably aapke paas wo sari information wahan se aap le sakte ho. Thank you guys. I hope aaj ka session hum yahi pe close karte hain. I will come back again probably with more, you know, if we have more queries, more answers, I'll try to get in touch with you guys again. Love talking to you. Please do not forget to subscribe our channel. Please do not forget to, you know, hit the link button and hit the like button and the bell icon. Thanks a lot. Have a great day. Have a wonderful day. Thanks. Bye.